Hello my dear students, once again welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you now one word substitution. Student, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी आपकी वन वर्ड सब्सिट्यूशन. इससे ऑलरेडी पहले मैं आपकी कुछ वीडियो बना चुका हूँ जिनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको वहाँ से भी आप उनको वॉच कर सकते हो. तो स्टूडेंट, जो हम वोकैब का जो पार्ट करने वाले हैं उसको मैं ट्रिक भी बताऊँगा और जो मेरा बेस्ट होगा मैं आपको दूंगा. तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. तो आज का फर्स्ट वन वर्ड स्टूडेंट्स आपका, एक पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हर डिसीज. यानी कोई ऐसा व्यक्ति होता है स्टूडेंट जो दिल की जो बीमारी होती है जिसको हम हर्ट बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, जो उसका जो विशेषज्ञ होता है, उसको जो नॉलेज होती है उसकी जो बीमारी को ठीक करता है उसको बोलते हैं हम आपका स्टूडेंट कार्डियोलॉजिस्ट, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ. नेक्स्ट आपका, ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम. नर्वस बनाए स्टूडेंट आपका न्यूरो, और लॉजिस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट जिस जहाँ पर लगता है ये बताता है आपको लॉजिक. लॉजिक मीन्स क्या होता है, कोई लॉजिक होता है तभी तो कोई उसके बारे में नॉलेज हम गेन कर सकते हैं. तो ये आपका जो नर्वस सिस्टम के बारे में जो नॉलेज रखता है व्यक्ति उसको बोलते हैं आपका न्यूरोलॉजिस्ट. न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स जो विशेषज्ञ होते हैं आपके तंत्रिका तंत्र में. नेक्स्ट आपका, ए पर्सन इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिसीज. उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम पेडियाट्रिशियन. पेडियाट्रिशियन यानी शिशु रोग विशेषज्ञ. जो नेक्स्ट आपका, ए रिमाइंडर ऑफ समथिंग मोमेंटो. यानी कि हम मान लीजिए कहीं घूमने जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, जो यादें होती हैं, जो आपकी मेमोरीज होती हैं, उनको हम पिक क्लिक करते हैं या हम अपनी डायरी वगैरह हम कुछ नोट वगैरह बना लेते हैं, तो उसको स्टूडेंट हम आपका मोमेंटो बोलते हैं. यानी यादगार जो होती हैं हमारी, जो यादें होती हैं उनका जो कलेक्शन होता है उनको हम इस तरीके से उनको कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको आपका हम मोमेंटो बोलते हैं. नेक्स्ट आपका, एक पर्सन हु एक्सपर्ट टीथ. जो दांतों का जो डॉक्टर होता है स्टूडेंट उसको हम आपका डेंटिस्ट बोलते हैं. यानी मीनिंग इसकी DENTIST, यानी दंत रोग विशेषज्ञ बोला जाता है इसको. नेक्स्ट आपका, इस सेट ऑफ सेफ विच इज यूज टू कीप प्लेट्स डिसीज एंड क्लॉथ. यानी कि एक सेफ होती है स्टूडेंट जिसको आप कप बोर्ड बोलते हैं, जिसको हम अलमारी बोलते हैं. इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमने जूते वगैरह हैं या जो भी डिस्क वगैरह होती हैं, जो अपने कपड़े वगैरह होते हैं तो उसमें रखते हैं, उसको हम अलमारी बोलते हैं और इंग्लिश में आपका उसको कप बोर्ड बोलते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट आपका, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन. मतलब जो आपके जो जीवित जो होते हैं, यानी व्यक्ति है या कोई भी कोशिका जो होती है उसका जो अध्ययन होता है स्टूडेंट उसको हम आपका बायोलॉजी बोलते हैं. तो बायो मीन्स जो होता है स्टूडेंट वो होता है आपका लाइफ, यानी जिसको हम जीवन कहते हैं, और लॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी, यानी कि जो जीवन का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका बायोलॉजी, यानी उसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान. नेक्स्ट आपके, ए पर्सन हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि कोई व्यक्ति है, अभी हम बोल रहे थे हाँ जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी, तो अगर उस स्टडी को जो व्यक्ति करता है उसको स्टूडेंट बोला जाता है आपका बायोलॉजिस्ट. ठीक है. नेक्स्ट आपका, स्टडी ऑफ प्लांट्स इन. यानी कि साइंस की एक शाखा होती है जिसको हम ब्रांच बोलते हैं स्टूडेंट. तो इसमें जो प्लैनेट्स होते हैं, आपकी जो वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिनका जो हम अध्ययन करते हैं उसको स्टूडेंट आपका आपका बॉटनी बोलते हैं, और हिंदी में उसको हम आपका वनस्पति विज्ञान बोलते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट आपका, स्टडी ऑफ एनिमल इन. तो एक सांख ये भी आपकी साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम आपके जो जंतु होते हैं उनका अध्ययन, जो जैसे बोलते हैं ना जू. जू मीन्स क्या होता है, चिड़ियाघर होते हैं जिसमें आपके जो जंगली हैं या आपके जो कुछ जानवर होते हैं उनको रखा जाता है उसमें. और लॉजी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट आपका, स्टडी होती है. तो जो जंतु की जो स्टडी की जाती है उसको हम जूलॉजी बोलते हैं, यानी उसको हम आपका जंतु विज्ञान बोलते हैं. नेक्स्ट आप, एक ग्रुप ऑफ शिप. यानी कि जो जहाजी बेड़े होते हैं तो उनमें क्या होता है, जहाज एक साथ कई सारे जहाज आते हैं, मतलब लाइन की लाइन लगी होती है 10, 20, 40, 50 ऐसे, तो उनको स्टूडेंट हम आपका फ्लीट बोलते हैं, यानी जहाजी बेड़ा बोलते हैं उसको. नेक्स्ट आपकी, पर्सन हैविंग सेम ओपिनियंस. इसका मीन्स हो गया स्टूडेंट अनोमनियस, यानी सर्वसम या हम कहें एकमत. जैसे कि अगर किसी की फैमिली में मान लो किसी की बुजुर्ग हैं, किसी दादाजी हैं या पापा, किसी ने बोल दिया कि भाई ये फैसला ऐसे करना है, ये काम आपको इस तरीके से करना है, तो वो क्या होता है, सब लोग एक ही ओपिनियन रखते हैं, मान के ये जो कह रहे हैं वो सही है, मतलब किसी का और कोई ओपिनियन नहीं होता है कि भाई इस काम को मैसेज कर, यानी जिसने बोल दिया तो सबका सेम ओपिनियन होता है कि हाँ इस काम को हमें इस तरीके से कर सकते हैं, उसको बोला जाता है आपका
अनोमियस यानी सर्वसम्मति या हम पोल इसको एकमत बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप ए प्लांट और एनिमल विच लिव्स ऑन अनदर, यानी कि एक पौधा होता है स्टूडेंट या हम कहें जानवर है जो विच लाइव्स अनदर जो दूसरे जानवरों पर या पेड़ पौधों पर वो क्या होते हैं निर्भर होते हैं, जैसे बटरफ्लाई होता है और भी आपके कई सारे पौधे होते हैं, इनमें क्या होता है इसलिए पैरासाइट बोलते हैं उनको, परजीवी बोलते हैं यानी दूसरे जीव जंतु पे क्या है निर्भर होते हैं। ये पौधे होते हैं, कुछ पौधे में कीड़ा आएगा कोई भी कीड़ा वो फूल बंद हो जाता है तो बटरफ्लाई होता है, इस तरीके कई सारे पौधे होते हैं साइंस में, तो उनको स्टूडेंट ऐसे जो उनको हम परजीवी बोलते हैं यानी पैरासाइट बोलते हैं जो दूसरों पर जीव जंतुओं या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट आप ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डाइड, वो एक बच्चा है स्टूडेंट जिसके माता पिता क्या है मर चुके हैं यानी वो मर गए हैं, तो ऐसा जो बच्चा होता है तो उसके लिए हम उसको ऑर्फन बोलते हैं यानी उसको स्टूडेंट हम आपका अनाथ बोलते हैं। नेक्स्ट आप ए पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसको अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जैसे कि जो आर्मी के फैन जो होते हैं बच्चे जो आर्मी की तैयारी करते हैं तो वो जो कुछ लोग ऐसा होता है देश के लिए मरना या मारना कुछ भी हो उनके लिए वो उनको देश सबसे पहले होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको देशभक्त बोलते हैं यानी उसको पैट्रियट बोलते हैं स्टूडेंट, उनको देशभक्त बोला जाता है। नेक्स्ट आप ए पर्सन हु इज ब्रिंग्स गुड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, यानी कि इम्पोर्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, इम्पोर्ट मीन्स होता है आपका जोड़ना और जो ला रहा है उसको बोलते हैं आयातक या इसको हम इम्पोर्टर। इम्पोर्ट मीन्स क्या होता है कहीं से कोई व्यक्ति है जो बाहर से क्या है स्टूडेंट आपका सामान लेके आ रहा है अपने देश में तो उसको हम आपका इम्पोर्टर बोलते हैं इम्पोर्ट। नेक्स्ट है पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू अनदर कंट्री, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश से मान लेके हमने अपने देश में कुछ बनाया कोई इन्वेंशन किया कोई वस्तु बनाई तो उसको क्या स्टूडेंट अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं और अदर कंट्री में अगर उसको हम सेल करते हैं उसको बेचते हैं तो हम क्या है एक्सपोर्टर हो जाएंगे, ठीक है निर्यातक बोलते हैं उसको। द डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बींग, यानी कि जो व्यक्ति होता है उसकी जो डेड बॉडी होती है स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं आपका कॉर्पस यानी उसको सब बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है द डेड बॉडी ऑफ एनिमल, जो ये तो था आपका सब यानी व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया और अगर मान लो कोई भी अगर आपका जानवर है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है तो उस डेड बॉडी को स्टूडेंट बोला जाता है आपका कार्कैस यानी जानवरों का जो मृत शरीर होता है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट आपका ए मैन हु रिमेंस अनमैरिड, यानी कि कोई व्यक्ति होता है स्टूडेंट क्या होता है मतलब कोई भी व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हुई है वो अनमैरिड है स्टूडेंट तो उसको हम आपका बैचलर बोलते हैं स्टूडेंट, उसको कुवारा बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट आपकी ए वूमेन हुज रिमेंस अनमैरिड, यानी कोई युवती है यानी जो लड़की है उसकी शादी नहीं हुई है तो उसको स्टूडेंट हम आपका मैट बोल सकते हैं या उसको हम स्पिनेस्टर बोल सकते हैं यानी हिंदी में उसको कुवारा बोला जाता है कुवारी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिस्ट ऑफ डेज वीक एंड मंथ्स ऑफ ईयर, यानी कि एक कलेक्शन है तारीखें हैं उसमें हफ्ते वगैरह हैं पूरे महीने हैं बारह और एक साल का जो ब्यौरा होता है स्टूडेंट उसको हम आपका कैलेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो जहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूट खुली होती हैं कैंपस उसको हम कैंपस बोला जाता है आपका, तो इस तरीके से यहाँ कॉलेज वगैरह होते हैं काफ़ी तो उसके स्टूडेंट हम आपका कैंपस बोल सकते हैं, ग्राउंड होता है जहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी वगैरह बनी होती हैं। नेक्स्ट आपका वन हु रीड एंड राइट, कोई व्यक्ति है जो लिख सकता है और आपका पढ़ सकता है हिंदी में उसमें हम आपका साक्षर बोलते हैं या उसको हम पढ़ा लिखा बोल सकते हैं और हिंदी में आपको उसको हम लिटरेट बोलते हैं, लिटरेचर है मतलब वो शायद पढ़ सकता है लिख सकता है समझ सकता है तो उसको हम लिटरेट बोलते हैं। नेक्स्ट आगे वन हु कांट रीड एंड राइट, कोई भी व्यक्ति है वो क्या है स्टूडेंट वो पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता मतलब इसको बोले हैं वो पढ़ा लिखा नहीं अनपढ़ है, ठीक है उसको निरक्षर बोलते हैं उसको बोलते हैं इलिटरेट, ठीक। यहाँ नेक्स्ट है आपका ए पर्सन हु लिव इन ए फॉरेन कंट्री, कोई भी व्यक्ति है स्टूडेंट वो क्या है किसी दूर कंट्री में रहता है, ठीक है तो उसको हम आपका एलियन बोल सकते हैं या उसको हम आपका विदेशी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका ए पर्सन हु लिव्स हिज ऑन कंट्री एंड गोज टू सेटल इन, कोई भी व्यक्ति है स्टूडेंट और अपने देश में रहता है, ठीक है और वो क्या होता है किसी दूसरी कंट्री में गोज टू सेटल इन अदर कंट्री किसी दूसरे देश में चला जाता है, तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि एग्जिट एग्जिट आपको आसानी होगी, देखो इमिग्रेंट होता है तो उसको हम प्रवासी बोलते हैं यानी अपने देश को छोड़कर क्या है परदेश चला जाता है,
नेक्स्ट ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर सेटल टू, यानी कोई व्यक्ति है बाहर से, जैसे हमारे इंडिया में क्या है बाहर से लोग आके रह रहे हैं और हमारे इंडिया के भी बाहर रहते हैं, तो आप समझ सकते हो। तो अगर कोई आ रहा है तो वो इन से बनता है, यानी इन मीन्स क्या होता है अंदर के लिए, तो एग्जिट मीन्स क्या होता है बाहर जाना, तो बाहर जा रहा है तो उसके लिए हमने एग्जिट तो आगे ई लगा हुआ, जैसे आप समझ सकते हो कि जो बाहर रहता है मतलब अपने देश को छोड़कर उसको हम इमिग्रेंट बोलते हैं, और जो अपने देश में आता है बाहर से स्टूडेंट यानी इन हुआ हुआ तो उसको हम इमिग्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट ए मेडिसिन बीच इंक्लूड्स वॉमिटिंग, यानी कि हम बात करें स्टूडेंट की कोई दवा है क्या होता है, किसी उल्टी वगैरह होती है पलटी वगैरह होती है, तो उसको हम कह कराने की दवा होती है उसको बोलते हैं हम आपका इमेटिक EMETIC, उसको हम एक्टिव बोलते हैं, यानी किसी को पलटी वगैरह हो रही है तो उसको कराते हैं तो ये दवा दी जाती है जिससे वो पलटी कर सके। नेक्स्ट आप ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज अंडर ए सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, बहुत सारे राज्य हैं, मतलब एक हम कहें कि कई सारे राज्य हैं और वो एक देश मतलब एक कंट्री है, मतलब छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं ग्रुप में, तो क्या एक सुप्रीम अथॉरिटी उन सबका क्या है राजा एक है, तो उसको इसको हम आपका एम्पायर बोलते हैं, यानी उसको हम साम्राज्य बोला जाता है। नेक्स्ट ए विक चाइल्ड और ए चाइल्ड ऑफ द एवल, यानी कि कोई बच्चा है वो क्या है शैतान है, ठीक है, चाइल्ड ऑफ या हम कहें शैतान का बच्चा, तो उसको बोलता है स्टूडेंट आपका एम मीन्स क्या होता है शैतान बालक, या हम उसको छोटा प्रेत बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका ए स्किल्ड वर्कमैन, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसको किसी भी फील्ड की नॉलेज है, वो जानता है कि अगर मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ तो वो किस तरीके से कर सकता है, तो उसको स्टूडेंट आपका मास्टर बोलते हैं। जैसे कोई टीचर है तो वो पढ़ाना जानता है, अगर कोई मान लीजिए आर्मी मैन है तो उसको उसकी ट्रेनिंग है और उसके बारे में उसको नॉलेज है, कोई बैंक में काम कर रहा है तो उसे बैंक के बारे में नॉलेज है, तो वो जो होता है अपने फील्ड का मास्टर बोला जाता है, उसको हम उसको हिंदी में आपका होशियार बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका एन ऑफिसर ऑफ हाईएस्ट रैंक इन मिलिट्री, कोई भी जो आपकी जो सेना होती है ना मिलिट्री, उसमें जो हाईएस्ट रैंक का जो हम कहें अधिकारी जो होता है स्टूडेंट, उसको हम मार्शल बोलते हैं, यानी उसको हम सेनाध्यक्ष बोलते हैं, यानी सेना का वो अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट आपका द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच और राइटिंग, कोई भी हम कहें एक तरीके से कि कोई भी एक कला होती है किसी में स्पीच करने की, यानी स्पीच बोलने की और उसको क्या बोलते हैं लिखाई करने की राइटिंग की, ठीक है, तो उसको हम रेटोरिक बोलते हैं, यानी शब्दों की प्रभावशाली कला होती है। मान लीजिए कि आपने कई बार देखा हो कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जब वो हिंदी बोल रहे होते हैं तो कितनी प्यारी लगती है उनके मुंह से, या हम कोई भी लैंग्वेज देखते हैं साहित्य की जब हम बात करते हैं कहीं भी, तो आपने देखा होगा कि अब वो जो लिखाई करते हैं जैसे आपके रसखान या कबीरदास, कई सारे जो हिंदी साहित्य में हुए हैं या इंग्लिश में हुए हैं जिन्होंने लिटरेचर की जिन्होंने लिखाई की है, तो उनकी जो एक क्या होती है स्टूडेंट उनकी शब्दों की कला होती है, वो शब्दों को किस तरीके से प्रयोग करके एक दूसरे में और कितना अच्छी अच्छी कहानियाँ या कोई भी संगीत वगैरह जो बनाते हैं, तो उसको हम रेट्रोएक्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास थी स्टूडेंट यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.